अस्सलामुअलैकुम सामईन ग्रामी, मैं हूं फखर अब्बास। उम्मीद करता हूं कि आप सब अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। सामईन ग्रामी, एक मर्तबा इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरे सब काम उलझ जाते हैं, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे सब काम आसान हो जाए और मेरी दुआएं कबूल होने लगें। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हारी नाकामी मुफलसी, तंग दस्ती का सबसे बड़ा सबब तुम्हारे हाथों और पैरों के बड़े हुए नाखून हैं। मैंने अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सुना कि नाखून को इंसान सही वक्त पर काट ले, क्योंकि जब बढ़ते हुए नाखून में मट्टी जमा हो जाती है तो वह शैतान की पनाहगाह बन जाती है और यूं वो इंसान मुसलसल डर, वहम, मुफलसी, तंगदस्ती और परेशानी का शिकार रहता है। ऐ शख्स, हर जुमे के दिन अपने नाखून काट लिया करो कि अल्लाह ताला की रहमत तुम पर मुसलसल बरसती रहे। तो सामईन ग्रामी, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीनी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। आमीन।